क्रय भी होगा। गाय मर रही है पॉलीथीन से, और पॉलीथीन का कानून राजस्थान सरकार अमल में नहीं ला रही है, गाय उससे मर रही है। हमारी धार्मिक भावना है, गायों को हमने बचा दिया, संरक्षण कर दिया, ये तो जनसंख्या इनकी बढ़ने वाली है। पहले कत्लगाह में जाती थी, भाजपा शासित राज्यों में नहीं जा रही है, ये तो समस्या बढ़ने वाली है, तो इनका निग्रह कंट्रोल कैसे होगा? देखिए, आपके आपके जो भारतीय जनता पार्टी का जब राज था राजस्थान में, तो 3 वर्ष के बछड़ों पे रोक लगा दी थी उन्होंने। उनके 3 वर्ष के बछड़े जो आते हैं नागौर का में हो, नागौर से बछड़े जाते थे, उसकी पहचान जो होती थी, आपको पता है जो आरोप लगता था कि बछड़े को किस काम में लिया जाता है, कोई भी ऐसा नहीं करता है। बछड़े चावल की खेती करते हैं, पश्चिम बंगाल में जहाँ पर पानी फूलता है और ट्रैक्टर नहीं चलते हैं, वहाँ पर लोगों को रुला दिया उन्होंने, किसानों का जो बछड़े पालते थे उनका रोजगार रुला दिया भारतीय जनता पार्टी और जो इनकी संस्थाएं बनी हुई उन्होंने, वो जवाब नहीं है उनके पास के अंदर। गाय की बात करते हैं तो सर, गाय के लिए गौशाला का अनुदान किसने बढ़ाया है? 6 महीने से 9 महीने का नाम अशोक गहलोत ने, कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया है। गाय के लिए सबसे बड़ी चिंता किसने करी है? मेवाराम जैन ने करी है, प्रमोद भैया ने करी है, जहाँ जहाँ मीटिंग ले रहे हैं वहाँ जा जाके कर रहे हैं। गाय को चिंता भारतीय जनता पार्टी की गाय की क्या चिंता है उनको? वो राजनीति करी है उन्होंने गाय के नाम के ऊपर। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखा है, सभी धर्म को साथ में लिया है। गाय हमारी माता है, हम बार बार ये बात कहते हैं, गाय हम पालते हैं, हम किसान हैं, हम जानते हैं गाय को कितनी तकलीफ हो रही है, और जब गाय मरती है या गाय को जब तकलीफ होती है तो तकलीफ लोग राजनीति के लिए करते होंगे। हम लोगों ने राजनीति नहीं करी है, हमने निष्पक्ष रूप से गाय को बचाने का प्रयास किया है। सरकार की मंशा साफ है, पहले दिन से, जिस दिन से पहली एंट्री हुई थी इस राजस्थान के अंदर 1 अगस्त को, उस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सारे जिला कलेक्टरों की मीटिंग ले ली थी, 4 तारीख को VC के माध्यम से सारे जिला प्रभारियों की मीटिंग ले ली थी, 7 और 8 को हम लोग अपने अपने प्रभार के जिलों के अंदर आ गए थे, 14 तारीख को फिर VC मीटिंग ले ली, 25 तारीख को फिर VC से मीटिंग ली, 26 तारीख को फिर VC से मीटिंग ली। आप जान सकते हैं इस बात के लिए कितने चिंतित है। कांग्रेस ने कभी राजनीति करने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए आपको कहना चाहता हूँ इस विषय के ऊपर हम बात न करें तो ठीक है। हम प्रार्थना करें भगवान से, ईश्वर से, कि लंपी बीमारी जो आई है ये खाली कांग्रेस और BJP की गायों में नहीं आई है। हमारा सबका धर्म देखते हुए हमको प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि बीमारी यह सिरोही से चली जाए, राजस्थान से चली जाए और इस देश से चली जाए। सर, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। अगर पॉलीथीन से जो गाय मर रही है इससे आप बचा पाएंगे तो मैं समझता हूँ गाय की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। वायरस से मर रही है जनाब, जो गायें मर रही है अभी, बीमारी ये चल रही है खतरनाक।